हेलो दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वोल्ट टास्क की 8.5 kg की लेटेस्ट मॉडल, जो कि आती है 5 नॉब के साथ। इस 5 नॉब के क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी इस मॉडल में वारंटी आपको मिलेगी, कैसे इसके फीचर्स हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वोल्ट टास्क की ये मशीन जो आती है वो 5 नॉब के साथ आती है। 5 नॉब का क्या काम होता है, मैं सबसे पहले आपको उसी चीज के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो वॉश सेलेक्टर है, वॉश टाइमर है, वॉश सेलेक्टर है, ड्रेन सेलेक्टर है, स्पिन सेलेक्टर है, ये सब इनके नाम होते हैं नॉब्स के। पहली नॉब का जो काम होता है वाटर सेलेक्टर, जो ये करती है कि पानी आपको वॉश टब में फिल करना है या खंगालने के लिए स्पिन टब में करना है, इस बटन का ये काम होता है। सपोज देख, जैसे आपको वॉश टब में चाहिए, तो इस टाइम भी पानी अगर आप नल से भरेंगे तो इसमें वॉश टब में ही जाएगा पानी। अब जब आपको पानी खंगालने हैं कपड़े, तो आप इधर कर देंगे तो पानी स्पिन में जाने लगेगा। अब वो पाइप कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हम इस वॉश टाइमर की बात कर लेते हैं। इसमें 15 मिनट की तो आपको वॉश टाइमिंग मिलती है, और बाकी जो 20 मिनट हैं उसके आपको सोक टाइमिंग मिलती है। सोक टाइमिंग में हम ज्यादातर जो गंदे कपड़े होते हैं काफी दिनों के, जैसे कर्टन होते हैं या बेडशीट होती है, उन्हें हम सोक करके धोते हैं ताकि हमारी जो मैल हो वो अच्छे से निकल जाए। थर्ड नोब जो दे रखी है वॉश सिलेक्टर की है। इसमें जैसे आपके फैब्रिक के कपड़े हैं, आप उस हिसाब से इसमें प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के कपड़े हैं तो जेंटल में, नॉर्मल में आप मिक्स कपड़े वॉश कर सकते हैं, और स्ट्रांग में आप हैवी कपड़े वॉश कर सकते हैं। फोर्थ नोब जो दे रखी है इसमें, वो दे रखी है ड्रेन सेलेक्टर की, ताकि जब आपको गंदा पानी इस मशीन से निकालना हो तो आप इसका गंदा पानी इधर करेंगे तो सारा मशीन से पानी गंदा निकल जाएगा। फिफ्थ नोब जो इसमें दे रखी है वो दे रखी है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर, जब आपको कपड़े को सुखाना है तो आप इसमें 10 मिनट का स्पिन टाइमिंग लगा सकते हैं, ताकि आपके जो कपड़े हों वो अच्छे तरीके से स्पिन हो जाए और बढ़िया से ड्राई हो जाए, आपको सिर्फ हल्की सी हवा दिखा के और आप पहन लें उसे। इसके अंदर ढक्कन अलग आता है, तो ढक्कन हटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ये डिटर्जेंट बॉक्स है। इसमें आप अपने कपड़ों के अनुसार डिटर्जेंट रखेंगे, वो पानी के साथ साथ आपका ड्रम भी सर्फ भी घुलते हुए आपके टब में चला जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको जो एसेसरीज मिलेगी वो मिलेगी स्पिन कवर, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, ड्रेन पाइप। साथ ही साथ इसमें जो पर्स लीटर मिलेगा, बहुत ही यूनिक पर्स लीटर मिलेगा, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन के साथ आया है ये। और इसमें आपको एक तरफ फिल्टर देखने को मिलेगा, और दोनों साइड आपको इसमें डुअल फिल्टर देख डुअल वाटर फ्लो देखने को मिलेगा, ताकि आपके जो कपड़ों पे अच्छे से पानी गिरे और फेना भी अच्छे से बने। और साथ ही साथ इस साइड आपको वाटर लेवल देखने को मिलेगी कि आप अपने कपड़ों के अनुसार इसमें पानी को फिल कर सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे तो ये आपका स्पिन कवर है। मैं आपको स्पिन कवर भी दिखा देता हूँ खोल के एक बार, ताकि आपको अंदाजा आए। इसका जो स्पिन कवर है, स्पिन भी काफी अच्छा बड़ा बिग साइज का स्पिन है, ताकि आपके कपड़े जितने वॉश हो एक बार में उतने आपके एक बार में इसमें ड्राई भी हो जाए। साथ ही साथ ये वॉशिंग मशीन आती है 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ, जो कि आता है लेटेस्ट 2024 मॉडल, और लेटेस्ट मॉडल है। बात करें इसकी वारंटी की, तो ये जो वारंटी आती है इसमें वो आती है 2 साल की, तो कंप्लीट वारंटी आती है। 2 साल मतलब कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी आती है। 2 साल तक अगर मशीन में कुछ भी होता है तो फ्री में आपकी मशीन कंपनी सर्विस विदाउट एनी विजिट चार्ज भी नहीं लगता है, फ्री में सही होती है। और 5 साल इसमें आपको दोनों मोटर की वारंटी मिलती है। यहाँ लिखा भी होता है 5 ईयर वारंटी ऑन बोथ मोटर, मतलब अगर आपकी स्पिन खराब हो चाहे वॉश खराब हो तो आपको 5 साल इसमें दोनों मोटर की वारंटी मिलती है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें के पानी कहाँ से होगा, क्योंकि सारी मशीनों में तो फ्रंट से लगा होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो पाइप लगाने का पीछे से दे रखा है, ताकि आप इसमें पानी लगाएं पीछे से और पानी आपका अपने वॉश टब में जाता रहे। बात करें इसमें वोल्टेज की, तो इसमें 480 वाट की तो वॉश मोटर लगी हुई है और 180 वाट की स्पिन मोटर लगी हुई है।
लुक वाइज बहुत प्यारी मशीन है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।